ओवल में खेले जा रहे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन टीम इंडिया 296 रनों पर ऑल आउट हो गई। डे टू भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाकर अंत किया। दूसरे दिन टीम इंडिया ने अपने 5 विकेट तो गंवाए, लेकिन साथ ही साथ लगभग इतने ही रन यानी कि 145 रन और जोड़ते हुए टीम इंडिया को 296 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इस मुकाबले में जिस खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा तारीफ हो रही है वो है अजिंक्य रहाणे। दरअसल में 516 दिन के बाद अजिंक्य रहाणे ने टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में वापसी की। अजिंक्य रहाणे ने 89 रनों की पारी खेली। इस दौरान बल्लेबाज कई मुश्किलों से जूझते नजर आए। उनका कैच ड्रॉप हुआ, पैट कमिंस की नो बॉल की वजह से उन्हें जीवनदान मिला, कैच उनके दूसरे और तीसरे दोनों दिन ड्रॉप किए गए, लेकिन अंत में उन्होंने 89 रन बनाते हुए भारत को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा। लेकिन इस मुकाबले में अजिंक्य रहाणे को आउट करने के लिए कैमरून ग्रीन ने वो किया जो शायद ऑस्ट्रेलिया के बाकी फील्डरों को बहुत पहले कर देना चाहिए था। दरअसल में जब अजिंक्य रहाणे लंच के बाद बल्लेबाजी करने लौटे तो उनको अगले ही ओवर में पैट कमिंस ने चलता कर दिया, लेकिन उनको आउट करने के लिए कैमरून ग्रीन ने चौथे स्लिप में खड़े होकर ऐसा कैच पकड़ा जो शायद बाकी कंगारू फील्डरों की आंखें खोल दे। दरअसल में कैमरून ग्रीन ने एक हाथ से छलांग लगाकर अजिंक्य रहाणे के उस कैच को अंजाम दिया। लंच के बाद अजिंक्य रहाणे जो एक रन भी ना बना सके उनको आउट करने के लिए कैमरून ग्रीन ने अपनी जान भी झोंक डाली और ऐसा हैरत अंगेज कैच पकड़ा। इसके बाद तो कैमरून ग्रीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जानते थे कि उन्होंने किसका कैच पकड़ा है और टीम इंडिया से उन्होंने क्या छीन लिया है। अजिंक्य रहाणे का विकेट 261 रनों पर 7वें विकेट के रूप में गिरा। इसके बाद टीम इंडिया 300 भी ना बना सके और 296 रनों पर ऑल आउट हो गई। लेकिन रहाणे को इतना साथ शार्दुल ठाकुर ने दिया, तभी टीम इंडिया 296 तक पहुंच पाई। शार्दुल ठाकुर ने भी अर्धशतकीय पारी खेलते हुए तीसरे दिन भारत का सम्मान बचाया। टीम इंडिया के इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहेगी या फिर टीम इंडिया की हार तय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। फेसबुक पर अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक एंड फॉलो करें।